स्टूडेंट्स, मैं अरविंद कुमार कक्षा 11 के लिए एक वीडियो लाया हूँ। अब तक हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था जगत मुनिरा के बारे में। हमने बताया था कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं आरएस विटेकर, उसने जो पांच जगत वर्गीकरण की जो प्रणाली है उसके बारे में बताया था। तो सबसे पहले हमने जगत मुनिरा के बारे में पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे जगत प्रोटिस्टा के बारे में। जगत मुनिरा हमारा कंप्लीट हो चुका था और जो जगत प्रोटिस्टा है उसे आज हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे जगत प्रोटिस्टा, इसके अंतर्गत कौन से जीव आते हैं। जगत प्रोटिस्टा के अंतर्गत जो जगत प्रोटिस्टा है इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो वो एक कोश के हों और जिनमें सत्य केंद्र पाया जाता हो, यानी कि उनमें टू न्यूक्लियस होता हो और साथ में वो कैसे हों, यूनिसेलुलर हों। उसके बाद इसके कुछ मुख्य लक्षण हैं, उन मुख्य लक्षणों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो इनमें जो मुख्य लक्षण रहने का वो है कि ये इसके जगत प्रोटिस्टा के जीव होते हैं वो एक कोश के होते हैं। नंबर दो, जो इस जगत प्रोटिस्टा के जीव हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, अर्थात उनमें सत्य केंद्रक और जो झिल्ली युक्त कोशिकांग है जैसे क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, तो गोल्जी का है, इस प्रकार के जो झिल्ली युक्त कोशिकांग है वो सारे के सारे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, यानी कि उनके अंदर वो पाए जाते हैं। उसके बाद ये सामान्य रूप से पानी के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि जगत प्रोटिस्टा के जो जीव हैं वो सामान्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, पानी के अंदर अंतर्गत। इसके बाद जो जगत प्रोटिस्टा के जीव हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कुछ तो होते हैं कैसे हमारे जो अपना भोजन स्वयं बना ले, जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं जैसे क्लेमाइडोमोनास है, इन्हें क्या बोलते हैं, पादप प्लवक बोलते हैं, यानी कि फाइटोप्लैंक्टोन बोलते हैं। फाइटोप्लैंक्टोन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पानी में स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं। इस जगत प्रोटिस्टा के कुछ जीव जो हैं वो परभक्षी होते हैं। परभक्षी का मतलब जो अपनी ही जाति के दूसरे जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण करें उन्हें बोलते हैं परभक्षी, जैसे प्रोटोजोआ। ये प्रोटोजोआ फाइलम के जो जीव हैं वो परभक्षी होते हैं। इन्हें होलो जो जीव अपनी जाति के दूसरे जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण करें उन्हें बोलते हैं होलोजोइक। तो इस जगत के कुछ जीव जो हैं वो परजीवी होते हैं। परजीवी का मतलब दूसरे जीवित जीवों से भोजन प्राप्त करना, ऐसे जीव जो दूसरे जीवित जीवों से भोजन प्राप्त करें उन्हें बोलते हैं परजीवी, जैसे प्लाज्मोडियम। और जगत प्रोटिस्टा के जो कुछ जीव होते हैं वो होते हैं मृतजीवी। मृतजीवी का मतलब जो सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करें उन्हें बोलते हैं मृतजीवी। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा कि प्रकाश संश्लेषी जीवों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, यानी कि जो जगत प्रोटिस्टा के जो प्रकाश संश्लेषी जीव होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट का मतलब वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। उसके बाद जो युगलिना है, युगलिना एकमात्र ऐसा जंतु है जिसके अंतर्गत पौधों के और जंतुओं के दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। जंतुओं के लक्षण क्या होंगे और पौधों के लक्षण क्या होंगे, जब इसमें पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट दिन के समय तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेता है। ये तो वास्तव में पौधों के समान लक्षण और जंतुओं के समान प्रकाश की, जब प्रकाश नहीं होता है यानी कि प्रकाश की अनुपस्थिति होती है तो प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या करता है, ये रात्रि में अपने भोजन की खोज के लिए बाहर निकलता है, यानी कि ये इसलिए जंतुओं के और पौधों के बीच की कड़ी कहलाता है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो एग्जामिनर बार बार पूछ लेता है कि जो युगलिना है उसके अंदर ऐसा क्या है जो दूसरे जीवों के अंदर नहीं है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसके अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट। जो युगलिना है उसके अंदर पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेता है। उसके बाद इसमें काइजेरन, एलैंगिजेरन और लैंगिजेरन तीनों प्रकार के जन इसके अंतर्गत पाए जाते हैं, यानी कि एलैंगिजेरन भी, काइजेरन भी और लैंगिजेरन भी तीनों प्रकार के जन इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। इसके बाद इसमें असूत्री विभाजन, सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन ये भी पाए जाते हैं, यानी कि इसके अंदर सूत्री विभाजन भी पाया जाता है, इसके अंदर असूत्री विभाजन भी, सूत्री विभाजन भी और साथ में अर्धसूत्री विभाजन भी पाया जाता है, जैसे अमीबा, युगलिना। तो ये मैंने कुछ इसके मुख्य लक्षण, जो जगत प्रोटिस्टा है हमारे इसके कुछ मुख्य लक्षणों के बारे में बताया आपको। अब बात करेंगे कवक, यानी फंजाई क्या होता है। यदि जो कवक होते हैं वो कवक पर्णहरिम रहित, यानी कि उनके अंदर पर्णहरिम नहीं पाया जाता, पर्णहरिम नहीं पाया जाता और साथ ही वो क्या होते हैं, संवहन उत्तक रहित थैलोफाइट होते हैं, यानी कि इनके जो कवक होते हैं ना तो उनके अंदर पर्णहरिम पाया जाता है और ना ही उनके अंदर संवहन उत्तक पाया जाता है। तो इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, ये हमारा पर्णहरिम है, संवहन उत्तक का मतलब जो नहीं होने का मतलब क्या है यहाँ पर, इसलिए हम इसे बोल सकते हैं कि इनके अंदर ना तो जड़ होता है, ना तना होता है और ना ही पत्ती होती है। जो कवक जो हमारे फंजाई होते हैं, कवक होते हैं, जो कवक के अध्ययन को हम क्या बोल सकते हैं, कवक विज्ञान या माइकोलॉजी। तो जो कवक है इनके कुछ मुख्य लक्षण हैं, उन मुख्य लक्षणों के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारे कवक होते हैं वो विषमपोषी होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं और कार्बनिक पदार्थों का अवशोषण करते हैं। विषमपोषी यानी कि दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें बोलते हैं विषमपोषी। और यूकैरियोटिक का मतलब है कि इनके अंदर
इनके जो अंदर सत्य केंद्रक है और जो झिल्लीयुक्त कोशिकांग हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्जी काय, इस प्रकार के जो झिल्लीयुक्त एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस प्रकार के जो झिल्लीयुक्त कोशिकांग है वो इनके अंतर्गत पाए जाते हैं। उसके फिर भी इसके अलावा जो मुख्य लक्षण है वो क्या क्या हैं? सबसे पहला जो मुख्य लक्षण है, जो जीवित जीवों से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं ऐसे कवक को बोलते हैं परजीवी कवक, यानी कि जो जीवित जीवों से अपना भोजन प्राप्त करें वो क्या कहलाते हैं? परजीवी कवक। उसके बाद जो सड़े गले मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करें उन्हें बोलते हैं मर्तोपजीवी। और उसके बाद इनका जो शरीर होता है वो तंतुमय होता है, तंतुमय होने का मतलब ये तंतु के आकार का एक जाल बना लेते हैं, उस जाल को बोलते हैं कवक जाल या माइसीलियम। जो कवक होते हैं ये हवा में, जल में, मिट्टी में, पौधों पर और जंतुओं पर सभी जगह पाए जाते हैं। इनमें जो भोजन होता है वो संचित भोजन होता है वो होता है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के रूप में इनमें संचित भोजन होता है। तो ये हमने कुछ लक्षण हमने आपको कवकों के बारे में बताए। तो उसके बाद बात करेंगे हम किसकी? वायरस के, इनके विषाणु। विषाणु देखे, वायरस का अर्थ होता है विष या विषैला तरल, यानी कि विष भी कह सकते हैं और विषैला तरल भी कह सकते हैं। सबसे पहले जो इवानोवस्की नाम के साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसके बारे में बताया था। उन्होंने क्या कहा था? जो तंबाकू का जो पौधा होता है उसमें मोजक रोग, इन्होंने मोजक रोग देखा और मोजक रोग में सबसे पहले क्या देखा उन्होंने कि इसमें विषाणु जो जो रोग पाया गया वो किसकी कमी से हुआ? वो हुआ किसकी वजह से? वो हुआ वायरस की वजह से। तो सबसे पहले जो नाम दिया था वायरस का वो किसने दिया था? इवानोवस्की ने। इसने बताया था कि जो वायरस होते हैं, वायरस में जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन के अलावा जो अनुवंशिक पदार्थ होते हैं वो आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। प्रायः जितने सभी पादप होते हैं, जो सभी पादपों में जो एक लड़ी वाला आरएनए पाया जाता है, जो जितने भी हमारे पादप होते हैं उन पादपों में एक लड़ी वाला आरएनए होता है, और जो जंतु होते हैं उन जंतुओं में एक या दो लड़ी वाला क्या आरएनए होता है, और आरएनए के अलावा इसमें प्रोटीन का आवरण होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं। इसमें प्रोटीन का एक आवरण होता है, उस प्रोटीन के आवरण को बोलते हैं कैप्सिड। और कैप्सिड जो है अनेक छोटी छोटी संरचनाओं से मिलकर बना होता है, छोटी छोटी उप इकाइयों से मिलकर बना हुआ होता है जिसे क्या बोलते हैं? कैप्सोमियर। तो ये बात करें हमने वायरस के बारे में, बात करेंगे वायरोइड के बारे में। देखिए जो वायरोइड होते हैं ये वायरस से भी छोटे होते हैं, और इनमें ना तो आरएनए होता है और ना ही प्रोटीन का आवरण होता है। कहने का मतलब ये है कि जो वायरोइड होते हैं ये वायरस से छोटे होते हैं और इनमें आरएनए और प्रोटीन के आवरण का अभाव होता है, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं? वायरोइड बोलते हैं। अब बात करेंगे लास्ट में किसकी? लाइकेन की। देखिए लाइकेन क्या है? जो लाइकेन है वो क्या करते हैं? जो हमारे कवक हैं और शैवाल हैं उन दोनों के साथ सहजीवी संबंध प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जो कवक है और शैवाल है वो कवक और शैवाल मिलकर क्या बनते हैं? लाइकेन बनते हैं। तो लाइकेन का जो कवक वाला भाग है उसे कवकांश बोलते हैं, और जो लाइकेन का जो शैवाल वाला भाग है उसे शैवलांश बोलते हैं। शैवाल के अंदर क्योंकि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, पर्णहनिम पाया जाता है, इसलिए वो क्या करते हैं? जो क्लोरोप्लास्ट पाए जाने की वजह से वो क्या करता है? भोजन का निर्माण करता है। किसके लिए? कवक के लिए। और जो हमारा कवक होता है क्योंकि उसके अंदर पर्णहनिम नहीं पाया जाता, तो जो कवक होता है वो शैवाल के लिए जल और खनिज लवण की व्यवस्था करता है। तो जो लाइकेन होते हैं वो प्रदूषण के सूचक होते हैं। जो बड़े बड़े शहर होते हैं जहाँ प्रदूषण ज़्यादा होता है वहाँ पर जो लाइकेन के पौधे लगाए जाते हैं उससे पता लग जाता है कि यहाँ प्रदूषण ज़्यादा है या कम है। अगर प्रदूषण ज़्यादा होगा तो लाइकेन के पौधे वहाँ नहीं उग पाएंगे, और अगर वहाँ प्रदूषण कम है तो ये आराम से उग जाएंगे। तो इस प्रकार लाइकेन को प्रदूषण का सूचक भी माना जाता है। तो आज हमने बात की बच्चों किसके बारे में? जगत प्रोटिस्टा के बारे में। इसके कुछ मुख्य लक्षण बताए हमने आपको। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, पादप पलवक क्या होते हैं? जगत प्रोटिस्टा के जो जीव होते हैं क्या होते हैं? पादप पलवक होते हैं, क्योंकि ये पानी में स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं, इन्हें फाइटोप्लैंक्टोन भी बोलते हैं। उसके बाद बात हमने किसी की कवक के बारे में, यानी कि फंजाई के बारे में। कवक क्या होते हैं? आपने घरों में एक चीज देखी होगी, जो घरों में अचार रखा रहता है या जो ब्रेड है कई दिन से ब्रेड रखा है, या घर में जो बासी रोटी रखी है कई दिन से बासी रोटी रखी है, तो उसके ऊपर एक फुई सी लग जाती है, सफेद रूई जैसी एक फुई सी लग जाती है। गाँव में हम क्या बोलते हैं? फुई, की रोटी के ऊपर या ब्रेड के ऊपर या अचार के ऊपर फुई लग गई है। तो वो वास्तव में फुई नहीं, वास्तव में वही क्या है? हमारा कवक है, फंजाई है। वास्तव में वही क्या है? हमारा कवक है, फंजाई है। उसमें ना जड़ होता है, ना तना होता है, ना पत्ती होती है। तो आज हमने बात करी कवक के बारे में भी, इसके बाद हमने बात करी विषाणु के बारे में, विषाणु या वायरस क्या होते हैं, उसके बाद बात करी हमने किसके वायरोइड के बारे में, जो वायरोइड क्या होते हैं, और अंत में हमने बात करी लाइकेन के बारे में, लाइकेन क्या होते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा जगत प्रोटिस्ट है वो कम्प्लीट हो गया, और इस प्रकार से हमारा जो चैप्टर दूसरे का क
यानी कि ए पार्ट है वो समाप्त हो गया। इसके बाद अगली वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर दो का जो खै पार्ट है इसका, उस खै पार्ट के बारे में बात करेंगे और इन्हें ध्यान से समझना। अगर फिर भी कोई आपकी डिफिकल्टी हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं समझाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।